तो यहाँ पे मैं बड़े अलगोहतराम के साथ निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल्ला साहब करवाने को, जो कि बाहर खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। आप आ जाए डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, एक मेरे बड़े करीबी शख्स है डॉक्टर अब्दुल्ला साहब। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप आइए, पिंडाल में आपका इंतजार किया जा रहा है, कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। बहरहाल चलिए टूर्नामेंट की तरफ। तो साहिल की सर्विस का सवाल है, हामिद ने चलती बाल पे वार किया पांडे ने, लेकिन अभी भी नाकाम। बालशाली सवाल आया यहाँ पे 9 नंबर के लिए, और ये अपनी लंबाई का भरपूर फायदा लिया है, और इस बार सर्विस एक बार फिर अपने नाम करने में कामयाब अशरफपुर के तमाम नौजवान। तो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ही सर्विस मार्क पर, सिंपल सर्विस। सवाल आया हामिद ने, इस बार अच्छा प्रहार किया काउंटर ने, यानी हल्का सा प्रहार, लेकिन उसी के साथ सर्विस अपने नाम करने में कामयाब। नतीजा ये हुआ कि स्कोर 0-1 पर जा पहुंचा। संभाला है इस वक्त 8 नंबर ने मास धमक के लिए, लेकिन हल्का सा पुश किया बाल, अभी भी समय मिस्टर हामिद, लेकिन यहाँ पे मास ने की गलती जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। 1-1 का स्कोर। कि चाहत थी मेरी कि तेरी बाहों में दम निकले, चाहत थी मेरी कि तेरी बाहों में दम निकले, बेवफा तुम नहीं थे बल्कि बदनसीब तो हम निकले। तो आइए मैं आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। यहाँ पे एक हल्का सा प्रहार किया इस 8 नंबर के खिलाड़ी ने, लेकिन उसी के साथ सर्विस अपने नाम करने में कामयाब। संभाला है 1 नंबर ने, चलते गेंद पर किया वार और अपने वार में कामयाब। जी बिल्कुल, ये बड़ा ही रोमांचक मुकाबला होगा और एक से एक फनकार आपको दिखेंगे। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल, लेकिन वहां पे नेट चार्ज करते हुए पकड़े गए 9 नंबर के प्लेयर, और उस प्लेयर ने हाथ उठा के अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है। 2-1 सिंपल सर्विस संभाल लिया है खिलाड़ी ने, और वहां पे वार करना चाहा लेकिन वार नाकाम, क्योंकि वहां पे 2 जॉइंट ब्लॉक जिसकी वजह से निकलना बड़ा मुश्किल। नतीजा ये हुआ सिंपल सर्विस संभाल लिया है साहिल ने, सुभान टू मास, लेकिन हल्का सा क्रॉस मास का श्रेयान साहिल और क्या आपके वार बंद। 4-1 का स्कोर, और यहां पे खाली जगह का भरपूर फायदा मिला किस नौजवान खिलाड़ी को। नतीजा यह हुआ कि सर्विस एक बार फिर चेंज होकर पेवर आप अरशद क्लब, हल्की सर्विस संभाला है डिफेंडर ने, हल्का सा क्रॉस, लेकिन अभी भी बाल फिजा में 9 नंबर। व्हाट अ ब्यूटीफुल, लेकिन वहीं पे नेट को सलाम कर बैठे कि समझकर काम कर लेता तो फिर धोखा नहीं होता, समझकर काम कर लेता तो फिर धोखा नहीं होता, चमकने वाला हर पत्थर कभी हीरा नहीं होता, मोहब्बत के उसूलों से अगर वाकिफ जरा होते तुम्हारी आंख का काजल कभी फीका नहीं होता। लेकिन यहां पे लंबा हैंड दे बैठे जिसकी वजह से आउट लाइन क्रॉस। नाउ स्कोर आर 1-4। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब करमैने, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कुर्सियों पर बैठ जाएं, पिंडाल में आ जाइए। देखिए मास के हाथ को बोसा देती हुई बाल डाउन, और उस तरीके से सर्विस एक बार फिर चेंज होकर ककरहटा के फेवर में 1 नंबर सिंपल सर्विस संभाल लिया इस 8 नंबर के खिलाड़ी ने, और यहां पे अच्छा वार किया, हमला किया, लेकिन बाल एक बार फिर सामने, फिर एक बार लेकिन यहां पे तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर अशरफपुर इस मुकाबले को अपने नाम करती है तो मिस्टर अधर, जो कि इंडियन आर्मी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, उसकी तरफ से 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। अशरफपुर अगर इस मुकाबले को अपने नाम करती है तो अधर अशरफपुर की तरफ से 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। तो सलाम कर रहा हूँ मैं इस नौजवान को कि वॉलीबॉल के जरिए इंडियन आर्मी तक अपनी छाप छोड़ रहा है, और आज एक इंडिया या हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहा है।
यहाँ पे सुभान का चतुराई भरा ड्रॉप, लेकिन अभी भी बाल सवली 9 नंबर के लिए यहाँ पे हल्का सा पुश किया, जिसकी वजह से कामयाब अपने मरहले में। नाउ स्कोर आर 2-5। तो अब मासन कंपनी को कुछ करना पड़ेगा अगर आगे तक का सफर करना है, लेकिन उसी दरमियान एक जहरीला ड्रॉप खाली जगह का चतुराई से इस्तेमाल किया, नतीजा ये हुआ कि सर्विस एक बार फिर चेंज होकर पेवारा टकराता। 9 नंबर, व्हाट अ ब्यूटीफुल है, जितनी भी तारीफ करें कम है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने हर हरबे को और अपने हर हथकंडे को अपना रहे हैं। ऐसा जादू कौन सा हथकंडा काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। बेदार हो जाए मेरे दोस्त, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला चल रहा है, लेकिन खामोशी के साथ बहरहाल चलिए, आप लोग चाहे खामोश रहें चाहे चिड़िया मुकाबला खेला जा रहा है। नहीं तो कभी कभी मायूसी होती है कि ये मैं ग्राउंड पे बोल रहा हूँ या शमशान या कब्रिस्तान में बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी गलती पांडे के हाथ से, एक बड़ी गलती जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा सर्विस चेंज की सूरत में। साहिल सिंपल सर्विस सवाल आए हामिद है, और इस बार पांडे के पास सुनहरा मौका, सर्विस एक बार फिर चेंज होकर पेवर आप ककराता। तो असद सरफुद्दीन के जरिए टीम आरास्ता पैरास्ता और सजाई गई है, तो बड़ी दिलचस्प टीम यहां पे नजर आ रही है। सुभान व्हाट अ ब्यूटीफुल हैंड बाय मिस्टर मासामत, कि बन जाए रिश्तों की तिजारत नहीं करते हम लोग, दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, लड़ना है तो आज जीत ले मैदान में हमको, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। वहीं पे मिस्टर पांडे आया और लगातार ये खिलाड़ी लगातार अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है कि तूफान कर रहा था मेरे अस्मता तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। और इस बार 2 नंबर मिस्टर जीशान अहमद के ये बेहतरीन शॉट, इसी के साथ सर्विस एक बार फिर चिन्ह होकर लगातार स्कोर रुका हुआ है, 2-5 पर स्कोर बड़ी देर से रुका हुआ है, अब स्कोर को आगे बढ़ाना होगा। अच्छी सर्विस संभाला है, वहीं पे श्रेयांश संभाला है खिलाड़ी ने, और इस बार 9 नंबर, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, जितनी भी तारीफ करेगा मैं, एक बार फिर सर्विस चेंज होगी, तो सर्विस कंटिन्यूएशन लगातार सर्विस चेंज हो रही है, बदस्तूर सर्विस चेंज का सिलसिला जारी। सिंपल सर्विस संभाला है खिलाड़ी ने, इस बार चतुराई भरा ड्रॉप और फिर से सर्विस चेंज होकर पेवर आप पकड़ता। चतुराई जरूर दिखानी पड़ेगी अगर आगे तक का सफर तय करना है, तो कुछ अलग करने का प्रयास जरूर करना पड़ेगा। इस मुकाबले का जो फर्स्ट प्राइज है 10,000 है, और सेकंड प्राइज कितना है भाई? 8-5 है, माफ कीजिएगा क्योंकि मुझे बाहर किसी ने, प्राइज 8,000, सेकंड प्राइज है 5,000। बाल को सवाल है मिस्टर सिराज ने, लेकिन वहीं पे एक बेहतरीन ब्लॉक, लेकिन इसी के साथ टच आउट का फैसला, बड़ी आसानी के साथ 7-2 का स्कोर हो चुका है। तो तमाम वॉलीबॉल शहदाइयों को, वॉलीबॉल प्रेमियों को बता दूं कि 11 तारीख को भावापुर की सरजमीन पर हाजी मुश्ताक मरहूम डे नाइट वॉलीबॉल गगरहटा अशरफपुर और मोहम्मदपुर, ये तमाम टीमें वहां पे शिरकत कर रही हैं, बनकट की टीम भी वहां पे है। चलती बाल पे किया हुआ और ब्यूटीफुल सर्विस, जितनी भी तारीफ करें कम है इस खिलाड़ी की,
आंधियां गंदी चलेंगी तो समर जाऊंगा टाइम आउट स्टेक इन भाई अरशद क्लब अशरफपुर। आंधियां गंदी चलेंगी तो समर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं जो बिखर जाऊंगा, तुझसे बिछड़ा हूं तो मत पूछ किधर जाऊंगा, गम का दरिया उस समंदर में उतर जाऊंगा। देख रहे हैं मुशर्रफ भाई बिलरियागंज अजहर इंडियन आर्मी की तरफ से अगर अशरफपुर इस मुकाबले को अपने नाम करती है तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा, लेकिन फिर से यही परिणाम यही नतीजा हुआ। सर्विस एक बार फिर चेंज होकर पेवर ऑफ अरशद क्लब अशरफपुर। तो अब अजहर को ही मैदान में उतरना पड़ेगा, अगर अशरफपुर को आगे तक ले जाना है तो शायद अजहर को भी मैदान में आना पड़ेगा, तो यही बेहतर होगा। बहरहाल यहाँ पे 9 नंबर, लेकिन वहीं पे नेट में लश्कर रह गए जिसकी वजह से फिर सर्विस चेंज होकर ककराहटा के कोर्ट में आना पड़ेगा मेरे दोस्त अशरफपुर की। अपनी परवाज में शाही सा असर पैदा कर, बहरे जुल्मात से लड़ने का जिगर पैदा कर, खुद के हालात पे रोने से तो बेहतर होगा, कश्तियां फिर से जलाने का हुनर पैदा कर। तो असद सरफुद्दीन का जादू मैं दिख रहा हूँ कि यहाँ पे चल रहा है और टीम बड़ी अच्छी कामयाबी के साथ अपने सफर पर यहाँ पे बेहतरीन डिफेंस किया था साहिल ने, लेकिन साथ ही खिलाड़ी ने उनके अरमानों का गला दबा दिया। ये सही बात, वहां पे आवाज आ रही है कि जनाजे में नहीं आए हो। बहरहाल हो सकता है दोस्त कुछ ना कुछ अपसेट जरूर है, खिलाड़ी इस तरीके से बाल को संभाला है सुभान ने और ये जीशान के लिए। तो आसानी के साथ इस वार में कामयाब नजर आ रहा है जीशान, 2-8 का स्कोर। सिंपल सर्विस डिफेंडेड बाई 1 नंबर, वारे का जहरीला ड्रॉप। ऐसा लग रहा है कि अब एक तूफान आ चुका है, अशरफपुर के कोर्ट में खलबली मची हुई है, लगातार अपने जहरीले ड्रॉप से अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से खिलाड़ी परेशान कर रहे हैं, लेकिन इस बार मास ने बड़ी चतुराई से वार किया और अपनी चालाकी दिखाने में कामयाब। नतीजा ये हुआ कि फिर से सर्विस चेंज होकर फेवर ऑफ अशरफपुर। नौ नंबर इस बार हामिद, लेकिन अभी भी बाल फेसा में, श्रेयांश के लिए छाई गई गेंद लेकिन लम्बा है दे बैठे मिस्टर श्रेयांश। बड़ी देर के बाद अल्लाह अल्लाह करके पॉइंट आसानी के साथ अशरफपुर ने अपने नाम किया, 3-8 का स्कोर। लौटाते पहले तो मुकद्दर कभी ऐसा ना होता। बाल को संभाला है सुभान ने, इस बार मास के लिए छाई गई गेंद लेकिन अभी भी बाल सबरी, बाल फेसा में लहरा रही है, श्रेयांश आए और यहाँ पे वार किया, साहिल के हाथ को बोसा देती हुई, साहिल के हाथ को बोसा देती हुई बाल डाउन दी। रेफरी का फैसला आखिरी फैसला होगा, रेफरी का निर्णय सर्वमान्य होगा। यहाँ पे मास सहमा, अब धीरे धीरे मास का खून गर्म हो रहा है। तो कुर्बो जवार से आए हुए मैं तमाम माली बाल शहदाइयों का मैं साकिब नौमानी फ्रॉम मिंदवल इस पवित्र धरती पर बरकत की इस मदरसा इस्लामिया मिसबाहुल उलूम वालीबाल प्रतियोगिता में आए हुए तमाम नौजवानों का, तमाम बुजुर्ग शख्सियतों का, अपने दौर के मायानाज खिलाड़ियों का मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ सुभान। और ये नंबर लेकिन आउट मार बैठे, पॉइंट में ना हो, पॉइंट चार नहीं लगे स्त्री। तो कमरुद्दीन साहब और लुकान ट्रेवल्स के मालिक उनका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, उनके साथ साथ दयान चिश्ती साहब, उनके साथ साथ अब्दुल बन्नान साहब का ग्राहका, शरफुद्दीन साहब का ग्राहका, अजमल साहब, डॉक्टर सुहेल आदमी साहब, उसी के साथ साथ मकबूल साहब, डॉक्टर शेख आलम साहब, इश्तियाक अहमद साहब, जाहिद अहमद साहब नसीरपुर, सैफ बिंदवल और कस्वा नमानी बिंदवल, असमर जयरादपुर, मोहम्मद सलीम जयरादपुर, मैं तमाम लोगों का इस्तकबाल कर। अब मुकाबला बड़ी तेजी के साथ तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मास
लेकिन इस बार मिस्टर माज थोड़ा सा नाकाम जरूर हुए, उलझ करके रह गए नेट में, जिसकी वजह से लेवे लगे थ्री का स्कोर। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला चल रहा है और यहाँ पे एक खराब पास कहा जाएगा, लेकिन वहीं पे चतुराई भरा जहरीला ड्रॉप श्रेयांश द्वारा, तो कुछ करना पड़ेगा मेरे दोस्त। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। 12-3 का स्कोर। सिंपल सर्विस संभाला है इस वक्त पांडे के लिए, लेकिन वहीं पे बेहतरीन डिफेंस लेके उनके साथ ही खिलाड़ी ने उनके अरमानों का गला दबा दिया। 12-3 संभाला है मास ने, लेकिन इस बार श्रेयांश ने हल्का सा हाथ पुश किया और अपने उंगलियों से इस मुकाबले में एक और पॉइंट आसानी के साथ हासिल कर लिया है। 13-3 13-3 का स्कोर। तो अबू सुफियान पलाही साहब का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, उसके साथ साथ मैं देख रहा हूं जावेद अहमद डंपी साहब ये भी इस प्रांगण में उपस्थित हैं, रहीम साहब बलिया, एहसान साहब बनकट, खालिद साहब बनकट, एजाज साहब अशरफपुर, कोमल साहब बमहोर, परवेश साहब अशरफपुर, आमिक प्रधान पद के प्रत्याशी अशरफपुर, मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वसीम खान इनका भी मैं शुक्र गुजार हूँ कि कॉमेंटेटर को अपने अवार्ड से नवाजा है वसीम खान बनकट ने। जीशान प्रधान अशरफपुर, अगर इस मुकाबले को अशरफपुर अपने नाम करती है तो 500 रुपए का इनाम है जीशान की तरफ से और 500 रुपए